हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला आज हम लोग नया यूनिट पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणी या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लिया हूँ इंडाइसेस एंड सर्ट्स आप लोग भी डाल लो और नया यूनिट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जैसे पैटर्न हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग किस हिसाब से पढ़ रहे हैं पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में ही जो नया कंसेप्ट आता है उसको मैं बताते जाता हूँ ठीक है न कंसेप्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं ठीक है जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं लिखना क्वेश्चन टू इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई में दिया है ए क्यूब एंड बी स्क्वायर सी क्यूब इसको आप सॉल्यूशन करके बस बताना है कि आएगा क्या ठीक है तो सॉल्यूशन करने से पहले कुछ मैं कंसेप्ट बता देता हूँ जैसे कि आपको पता होगा कि इसको मान लेते हैं एक्स टू दावर ए प्लस एक्स टू दावर बी <perfektionic> देखो बेस क्या है सेम है दोनों का बेस क्या है दोनों का बेस क्या है सेम है सेम मतलब क्या है दोनों का बेस क्या है से लिखे है ना और उसका जो पावर है पावर आपका कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा देखना जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा इसको सॉल्व करूंगा ना तो जो पावर होता है वो जुड़ जाता है ए प्लस बी इतना तो कंसेप्ट आपको पहले से ही पता होगा बहुत आसान कंसेप्ट है ठीक है बेस अगर सेम होते हैं तो पावर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसी का कंसेप्ट का यूज़ करना है थोड़ा बहुत अच्छा एक और कंसेप्ट मैं बता दो क्या साथ ही साथ में जैसे कि अच्छा यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ ये आपका ना मल्टीप्लाई में रहेगा ना जब दोनों बेस समान हो और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रहेगा ठीक है ना मल्टीप्लाई में रहेगा तब ये आपका क्या होता है पावर जुड़ जाता है मैं क्या लिख दिया था दोनों के बीच में एड का साइन लगा दिया था ठीक है ना एडिशन का साइन नहीं आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना लेकिन यही जब दोनों एक दूसरे से डिवाइड में रहेगा एक्स टू दी पावर ए और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर बी ठीक है ना दोनों एक दूसरे से क्या होगा डिजुल रहेगा तो उस केस में क्या हो जाता है जो पावर होते हैं वो एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ये दो ठो कंसेप्ट आई थिंक आपको पता ही होगा पहले से ही और बहुत आसान कंसेप्ट है तो बस इसी कंसेप्ट पे आपका सॉल्यूशन होगा जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टू इन टू ए का पावर में क्या है टू है और ये एक और ए है जो कि कितने के पावर में तीन के तो ए टू दी पावर कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा वैसे बी टू दी पावर कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा वैसे सी टू दी पावर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है ठीक है इतना आसान क्वेश्चन आगे देखते हैं आगे बनाना आप लोग ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है फाइव टू दी पावर वन बाई फोर कर लो एंड उसके अलावा वन ट्वेंटी फाइव टू दावर पॉइंट टू फाइव कर लो ठीक है इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा देखो वैसे ही क्वेश्चन है फाइव टू द पावर वन बाई फोर इसको मैं फाइव टू द पावर कितना लिख सकता हूँ थ्री लिख सकता हूँ क्या फाइव टू द पावर थ्री बाई फोर मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या वन ट्वेंटी फाइव टू द पावर पॉइंट टू फाइव के जगह में अगर जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो एक्चुअली में क्या है यह फाइव टू दी पावर थ्री था ठीक है और उसके पावर में मैं क्या लिख दिया हूँ वन बाई फोर कर सकता हूँ ना ये पॉइंट टू फाइव के जगह में मैं वन बाई फोर नहीं लिख सकता हूँ ठीक है तो वन बाई फोर और ये वन ट्वेंटी फाइव की जगह में फाइव टू द पावर थ्री तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया आपका फाइव टू द पावर थ्री बाई फोर अब बस क्या है दोनों को जोड़ दो तो ये फाइव टू द पावर वन आ जाएगा आंसर यही हो जाएगा आपका ठीक है ना बस क्या हो जाता है यार फाइव टू द पावर वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर ठीक है तो ये दोनों को आप अगर जोड़ते हैं तो फाइव टू द पावर वन आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आप क्वेश्चन बनाना एकदम आसान सा क्वेश्चन एक्स वाई टू द पावर कितना करता हूँ मैं ए माइनस बी करता हूँ एक्स वाई टू द पावर कितना करते हैं बी माइनस सी करते हैं और एक्स वाई टू द पावर कितना करते हैं सी माइनस ए करते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको ना ओरली बन जाता है ठीक है ये इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि आंसर वन ही आने वाला है कैसे आता है देखो ये क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए माइनस बी वाई टू दी पावर ए माइनस बी एक्स टू दी पावर बी माइनस सी वाई टू दी पावर बी माइनस सी एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा सी माइनस ए एंड वाई टू दी पावर सी माइनस ए ये तो पता होगा ना आई थिंक जो पावर होगा वो अंदर चल देगा ब्रेकेट के तो सबके पावर में आ जाएगा और उसके बाद ये सब मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दावर ए माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस बी माइनस सी और प्लस क्या हो जाएगा सी माइनस ए और वैसी सेम क्या हो जाएगा वाई के पावर में भी होगा तो ये सब एक दूसरे से कट जाने वाला है आई थिंक है ना तो कितना बचेगा एक्स टू पावर जीरो एंड वाई टू द पावर ज़ीरो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका वन ठीक है ना किसी के भी पावर में अगर ज़ीरो रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है वन आती है तो ये एक्चुअली में वन इन वन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ये एकदम आसान क्वेश्चन है ठीक है बन गया होगा आई थिंक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसको बनाना आप लोग एक लौता अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं उसको बनाना है ना तो वन बाई टू वन सिक्स टू दावर माइनस टू बाई थ्री प्लस वन बाई ट्वेंटी सेवन टू दावर में माइनस फोर बाई थ्री ठीक है ना इसको सॉल्व करो एकदम आसान है ये भी ठीक है कंसेप्ट का यूज़ करो क्या मैं बताया हूँ और उस हिसाब से फिर बनाओ इस क्वेश्चन को और एक चीज़ बदलाव कर लेना चलो प्लस करके है तो प्लस करके भी बना सकते हो और यहाँ पर आप लोग इसको प्लस की जगह में डिवाइड का साइन लगा दो ठीक है ना प्लस की जगह में डिवाइड का साइन लगा दो ठीक है अब बना के दिखाओ क्या करेंगे ये ये नीचे वाला कितना हो जाएगा सिक्स टू द पावर थ्री हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं सिक्स माइनस सिक्स टू द पावर माइनस टू लिख सकता हूँ क्या इसको उसके बाद ये थ्री टू पावर कितना हो जाएगा थ्री टू दावर थ्री हो लिख सकते हैं ना ट्वेंटी सेवन को तो थ्री टू दि पावर माइनस फोर बचेगा अरे पावर बस को मैं ब्रिकेट के अंदर ला रहा हूँ यार और कुछ नहीं कर रहा हूँ इतना आपको एकदम फास्ट बनना चाहिए ये वाला स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन मैं समझाने के लिए लिखाया हूँ उसके बाद फिर क्या हो जाएगा एक दूसरे से डिवाइड होगा तो ये सिक्स का स्क्वायर और नीचे में थ्री टू पावर फोर ठीक है आता है कि नहीं इतना समझ में ठीक है कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा बच्चों टाइप का इतना तो आप लोग आई थिंक कर लोगे ना ठीक और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा छः छः छत्तीस और ये तीन थी नौ थी सत्ताईस थी इक्यासी ठीक है इसको भी सॉल्व करोगे नौ चौक छत्तीस और नौनी इक्यासी मतलब फोर बाई नाइन येजी हो आंसर ठीक है ना इजी क्वेश्चन था इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ इसको बनाना आप लोग ठीक है एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर बी टू दी पावर कितना हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा एक्स टू बी एंड एक्स टू दी पावर सी टू दी पावर कितना हो जाएगा बी प्लस सी एक्स टू दावर सी एक्स टू ए डिवाइड में और पावर में कितना हो जाएगा c प्लस ए ठीक है एकदम आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाता है कि इसका आंसर वन ही आने वाला है अब ये वन कैसे आएगा ये आपको बताना है ठीक है ना इसका आंसर मैं बता देता हूँ इसका आंसर वन है लेकिन आपको सॉल्व करना है और खुद से बनाना है ठीक है आ रहा है कि नहीं समझ में कि बताना पड़ेगा आई थिंक बन जाएगा यार बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है बन जाएगा ना ठीक है बन जाना चाहिए उसके बाद हम लोग आगे करते हैं नहीं बनेगा तो पूछ लेना कोई कमेंट करके पूछेगा तो बताऊंगा है ना अदरवाइज तो फिर आगे भी बढ़ते जाऊंगा <coughs> खैर आगे एक क्वेश्चन करना बहुत ही आसान क्वेश्चन जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो एट वन बस जितना आसान क्वेश्चन होता है ना उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों की गलती करने की क्योंकि जितना आसान क्वेश्चन होता है उतना हमारा हाथ एकदम फास्ट चलता है और हाथ फास्ट चलता है ना तो दिमाग तो पता नहीं और कितना फास्ट चलता है तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है इसलिए आसान क्वेश्चन को थोड़ा सा देख समझ के बनाना चाहिए एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन मैं इसमें होशियारी ना करते हुए क्या बोला था आपको सीधा आप लोग 81 डिवाइडेड बाई कितना लिख दोगे 81 डिवाइडेड बाई 10,000 ठीक है इसको इतना लिखो और उसके बाद फिर पॉइंट फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ पावर में वन बाई टू लिख सकता हूँ उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो नाइन का पावर टू और नीचे वाले को हंड्रेड का पावर टू लिख सकता हूँ अब फिर पावर अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोनों के डिवाइड में हो जाएगा और उसके बाद फिर ये नाइन बाई हंड्रेड मतलब आंसर कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन इज़ योर आंसर ठीक है ये समझ में आया कि नहीं इतना समझ में आता है अच्छा कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये नौ का पावर टू ही क्यों लिखा ये तो थ्री का पावर फोर भी हो सकता था नीचे वाला टेन का पावर फोर भी हो सकता था ठीक है कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो फिर पावर अंदर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा बाई में दोनों के टू हो जाएगा आ रहा है कि नहीं इतना समझ में आ रहा है ठीक है लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए करा क्योंकि पावर में भाई जब हाफ दिया हुआ है तो मैं कोशिश किया कि ये जो अंदर वाला पावर है इसको भी स्क्वायर में करने का ठीक है ना पावर दो बनाने का ताकि आप लोग डायरेक्ट कट जाए और एक स्टेप बच जाए तो इतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा है ना ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क है या फिर यही बनाना होगा यही बना लेना ज़ीरो जीरो कितना हो जाएगा आपका टू वन सिक्स पावर में क्या हो जाएगा वन बाई थ्री ये दिख रहा है आपका कितना हो जाएगा ऊपर वाला छः का पावर तीन हो जाएगा और नीचे वाला टेन का पावर कितना हो जाएगा या टेन नहीं हंड्रेड का पावर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तो तीन तीन कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा छः बटे हंड्रेड मतलब आंसर कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इज योर आंसर ठीक कितना जल्दी बन जाता है क्वेश्चन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन करना जिसमें आपको दिया गया है पावर में ट्वेल्व प्लस एक मिनट <coughs> फिर हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड प्लस क्या हो जाएगा स्क्वायर में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में ट्वेल्व और प्लस ये आपका सिलसिला चलते जाएगा इनफाइनेट तक ठीक है मतलब एक्स के जगह में क्या है बारह है मान लेते हैं अभी एक्स की जगह में क्या है बारह है तो ये जो एक्स की जो वैल्यू मैं लिखा हूँ वो कुछ भी हो सकता है लेकिन जब ये ऐसा वैल्यू हो जिसके दो क्रमांगत गुणनखंड खंड हो क्या बोला मैं का वैल्यू कुछ भी हो जैसे 12 और एग्जाम्पल बताऊंगा मैं दो क्रमांगत गुड़न खंड हो इसका मतलब क्या होता है दो क्रमांगत गुणनखंड खंड का मतलब 12 के दो क्रमांगत गुणनखंड खंड थ्री इंटू फोर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं ठीक है ना वैसे ही मैं कुछ भी एग्जाम्पल लेता हूँ मान लेते हैं बहत्तर तो आठ नहीं बहत्तर दो क्रमांकत गुड़न खंड इसके भी हैं ठीक है और कुछ भी ले लो तीन इन टू टू इंटू इन थ्री लिख लो तो ये आपका छः भी आपका क्या है दो क्रमांकत गुडनखंड वाला एग्जाम्पल है वैसे ही और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है फाइव इंटू फोर मतलब बीस भी आपका क्या एग्जाम्पल है दो क्रमांकत गुडनखंड का एग्जाम्पल है चलो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पंद्रह कि ये पंद्रह के क्या दो क्रमांकत गुडनखंड हैं पंद्रह के क्या दो क्रमांकत गुड़नखंड हैं नहीं है ठीक है ना थ्री इन फाइव होता है लेकिन दो क्रमांक गुलनखंड इसके नहीं है तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना टू कंडीन क्या बोलने चाहिए मल्टीपल्स जब किसी भी नंबर के होंगे तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है जब दो क्रमांक गुणनखंड ना हो लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कौन सा कंडीशन जब दो क्रमांक गुणनखंड हो तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं अब देखो देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा पूरा इनफाइनाइट तक गया है ठीक है ना तो कैसे सॉल्व करेंगे तो दो क्रमांक जो गुड़नखंड है ना वही इसका आंसर है नहीं समझ में आया जैसे इसके ये वाला क्वेश्चन जो था ऊपर में इसके दो क्रमांक गुड़नखंड क्या थे इसके दो क्रमांक गुड़नखंड क्या थे थ्री इन फोर थे तो आंसर भी थ्री एंड फोर ही होगा लेकिन एक चीज याद रखना है आपको कि जब ये आपका जो साइन यहाँ पर देखना क्वेश्चन में साइन क्या है प्लस है सब में क्या है होना चाहिए प्लस 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 होना चाहिए ठीक है सब में अगर या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो ठीक है तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए केवल एक ही साइन होना चाहिए और पूरे में वही साइन होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर सब में क्या है प्लस का साइन है तो सब में पूरा प्लस 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 है तो आंसर भी क्या होगा आपका जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें प्लस लगाना है और जो छोटा वैल्यू होगा यानी जो छोटे मल्टीपल होंगे छोटे गुड़नखंड होंगे तो उसमें माइनस का साइन लगाना है यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि यही सेम क्वेश्चन मान लो लेते हैं और उसमें प्लस की जगह में अगर माइनस साइन रहता ठीक है ये प्लस की जगह में मान लो माइनस का साइन रहता और सब में माइनस रहता तो उस केस में भी आंसर आपका थ्री एंड फोर होता लेकिन अब जो माइनस है या फिर जो निगेटिव साइन है वो आपका बड़े वाले गुड़नखंड में लग जाता और छोटे वाले गुड़नखंड में आपका पॉजिटिव साइन लगता तो उस केस में ये आंसर हो जाता ठीक है बस इतना ही सा याद रखना है इसके बाद आप लोग तो क्वेश्चन मैं चाहे कोई सा भी दूं आप लोग एकदम आराम से और एकदम फास्ट बना सकते हैं जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपका रूट फिफ्टी सिक्स प्लस रूट फिफ्टी सिक्स प्लस रूट फिफ्टी सिक्स ऐसा आप इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएं ठीक है तो अब मैं बोलूँगा इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग बोल देंगे एट एंड सेवन ठीक है अब प्लस साइन किस में लगाऊंगा एट में और निगेटिव का साइन किस में लगाऊंगा सेवन में यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है एकदम आसान क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन बना लो चलो इस बार लेते हैं क्या लें अच्छा हाँ चलो, चलो बयालीस अब यहाँ पर निगेटिव का साइन लगा लो निगेटिव का साइन उसके बाद फिर निगेटिव का साइन फिर ऐसा आप लोग चलते जा रहे हैं ना <coughs> एकदम आसान है बना ली होगी अभी तक छः सत्तर बयालीस होता है तो आपका निगेटिव का साइन माइनस सेवन में लगेगा और प्लस का साइन सिक्स में लगेगा यही आपके आंसर हो जाएंगे इसके बाद हम लोग आगे करते हैं अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक तो हम लोग कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके मल्टीपल अपने को टू कंटिन्यूस मल्टीपल मिल रहे हैं और जिसके नहीं मिलेंगे उसके लिए क्या करेंगे <coughs> उसको मैं आगे बताऊंगा ठीक है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे तो ये पूरा यूनिट जो है ना वो बाक़ी अदर यूनिट के कंपैरिजन में थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है ठीक है और ये जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना वो और कम इम्पॉर्टेंट होगा लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं पहले बता देता हूँ एक क्वेश्चन लिखना जैसे मान लेते हैं इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को ही मैं ऐसे बना लूँ फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी टू आपका मर्जी तब तक चलते जाओ मतलब इन तक हम लोग चलते जा रहे हैं लेकिन अब साइन क्या है आपका ना माइनस है ना प्लस है अब यहाँ पर किसका साइन आ चुका है मल्टीप्लिकेशन का साइन आ चुका है तो इस केस में आंसर आपका इतना आसान देखना इसका आंसर जो एक्स का वैल्यू होता है वही होता है एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है फोर्टी है तो आंसर भी क्या हो जाएगा एक्स मतलब फोर्टी टू एक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो एक रखो दो रखो तीन रखो हजार रखो दो हजार रखो कुछ भी रखो लेकिन अगर इस फॉर्म में है वो इनफाइनेट तक वैल्यू जा रहा है और मल्टीपल का साइन है तो आपका आंसर क्या आ जाने वाला है आंख बन करके 42 मतलब जो भी x का वैल्यू है वही आपका आंसर आ जाने वाला है यहाँ तक आके आपको समझ में आ गया ना ठीक है चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ही करते हैं लेकिन इसमें इस, इस बार क्या करते हैं 42 टू मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी एंड स्क्वायर रूट में 42 बस सिलसिला आपका यहीं पर ख़त्म हो गया मान लो आपका सिर्फ तीन बार हम लोग जा रहे हैं उसके बाद और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सॉल्व तो कर सकते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से या फिर खुद से भी कर सकते हो फोर्टी का रूट पता होना चाहिए उसके बाद ऐसे ही सोल्व करते जाओगे तो लेकिन बहुत कठिन और बहुत टाइम नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन हमको कैसे बनाना है अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना ठीक है ये वाला क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक जितने भी किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला कम इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना मैं बता देता हूँ इस ये जो यूनिट है ना पर्टिकुलर यूनिट ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जितने भी एग्जाम होते हैं और जिसमें टाइम कम होता है उसमें ये वाला यूनिट कम ही पूछता है ठीक है तो ये ये जो यूनिट है वो कैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिसमें मतलब पर्टिकुलर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के या फिर क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के पचास सौ नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम भी ठीक ठाक है जैसे कि आपका यू में मतलब पी का एग्ज़ाम हो गया ठीक है ना पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम या फिर आपका स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम जिसमें आपका सी सेट एक पूरा क्वेश्चन पेपर ही होता है तो ऐसे एग्ज़ाम में और जिसमें टाइम भी ठीक ठाक होता है तो ऐसे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है आगे समझ में अब अब कोई डाउट नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ सकता है हमारे लिए थोड़ा सा काम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा गेट में आ सकता है ठीक है देखो एकदम आसानी से सॉल्व होता है बस जितना नंबर ऑफ एक्स या फिर जितना वैल्यू आपको दिया गया है उतना ही बार टू इंटू टू इंटू टू करो ठीक है फिर माइनस कर दो वन ठीक है माइनस कर दो वन और डिवाइड भी कर दो टू इंटू टू इंटू टू से इसका मतलब क्या समझ में आया ये 42 की जगह में यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 42 है 42 की जगह में चाहे जितना भी रखो उससे मतलब नहीं है मेरे को मतलब कितना है कि आप कितने बार रखे हो यहाँ पर कितने बार आया है तीन बार आया तो मैं तीन बार दो से मल्टीप्लाई किया माइनस वन किया और उसको फिर डिवाइड किससे किया उतने ही बार टू से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को ठीक है एकदम आसान है एकदम आसान है लेकिन ये ट्रिक अगर पता रहेगा तब आपको बनेगा और ये एक्चुअली में आपके पावर में आएगा किसके 42 के पावर में आएगा मतलब जो x का वैल्यू है उसी के पावर में आएगा आ गया समझ में अब एक और क्वेश्चन करना ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं जैसे कि मेरे को मन लग रहा है कि मैं यहाँ पर ग्यारह लिख दूँ ठीक है ना तो ग्यारह फिर मल्टीप्लाइट में ग्यारह फिर मल्टीप्लाइट में ग्यारह फिर मल्टीप्लाइट में स्क्वायर रूट ग्यारह चार बार आया है ठीक है ना चार बार आया है तो यहाँ पर मैं दो को कितने बार लिखूँगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू चार बार लिखूंगा माइनस वन करूँगा डिवाइड भी मैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू चार बार दो से करूँगा ये एक्चुअली में पावर में है किसके ग्यारह के पावर में यही आपका आंसर भी है ठीक है इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो दो दो चार दो आठ सोलह ठीक है न सोलह माइनस एक कितना हो जाएगा पंद्रह पंद्रह डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सोलह ए सॉरी गलत कर दिया ना पंद्रह नहीं ठीक तो किया हूँ पंद्रह सोलह माइनस एक पंद्रह पंद्रह डिवाइडेड बाई सोलह ठीक तो कर रहा था तो ये क्या हो जाएगा ग्यारह के पावर में हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ईजी एकदम अच्छा एक और क्वेश्चन ऊपर हम लोग देख रहे थे ठीक है जिसमें हम लोग देखे थे या फिर एक नया क्वेश्चन ही ले लेते हैं मान लेते हैं इस बार कर लेते हैं 110 प्लस का साइन लगा रहा हूँ ठीक है 110 प्लस का साइन लगा रहा हूँ 110 और ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है आपका ठीक है ना इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे ना ऊपर में किए थे ना तो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी तो से इसका आंसर क्या होगा इसको तो आसानी से सॉल्व कर लोगे ना ग्यारह और दस इसके दो मल्टीपल होंगे और प्लस का साइन किस में लगेगा प्लस का साइन इसमें लगेगा निगेटिव का साइन इसमें लगेगा यही आपका आंसर हो जाएगा लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसके मल्टीपल आपको नहीं पता है जैसे कि अब 110 की जगह मैं 11 ले देता हूं अब ये 11 जो है आपका इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है ठीक है अच्छा साइन को यार प्लस ही रखना <coughs> साइन को आप प्लस ही रखना ठीक है प्लस का साइन लेना और ये कितने टाइम्स जा रहा है आपका ऐसे आपका इनफाइनाइट बार होते जा रहा है ठीक है तो अब इसका आंसर निकालो बोलूंगा तो अब बोलोगे कि इसका तो कोई मल्टीपल है नहीं मतलब टू कंटिन्यूस जो मल्टीपल दो क्रमागत गुणनखंड तो इसके है नहीं इस क्वेश्चन के तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे अब ये देखो इसको आप स्किप कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन को क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है किसके लिए इम्पॉर्टेंट है कौन से एग्ज़ाम के लिए वो मैं ऊपर में बता चुका हूँ ना ठीक है अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप तो देख सकते हैं अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं बस इस क्वेश्चन में ये जो भी वैल्यू दिया है इसको एक्स मान लो ठीक है इसको क्या मान लो x मान लो और इस इक्वेशन को आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्यारह प्लस कितना हो जाएगा ग्यारह प्लस जो वैल्यू आपको बचा है उसको लिख दो ठीक है ग्यारह प्लस ग्यारह प्लस ऐसा करके आप इनफाइन टाइम टाइम्स जाते जाएंगे ठीक है अब क्या करो क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग एक्स वाले हैं तो फिर से इसको एक, इसके जगह में क्या लिख दोगे एक्स लिख दोगे तो ये एक इक्वेशन बन गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस इलेवन एंड ये आपका इक्वेशन टू मान लो इसको पहले इक्वल टू ज़ीरो लिख दो ठीक है इक्वल टू ज़ीरो और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन टू मान लो और इसी को आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये नॉर्मल तरीके से एक्स की वैल्यू तो नहीं आएगा ठीक है करते क्या थे हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करना मैं बताया था लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा तो हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए ठीक है इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे ये टर्म ए है मतलब इस इस वाले फर्स्ट टर्म से ए की वैल्यू पता चलेगी सेकेंड टर्म से बी की वैल्यू पता चलेगी और थर्ड टर्म से सी की वैल्यू पता चलेगी फर्स्ट टर्म से ए की वैल्यू वन है ठीक है ना मतलब जो भी आपका कांस्टेंट रहता है ना उससे जो भी मल्टीपल रहता है वो आपका ए का वैल्यू हो जाएगा और बी की वैल्यू यहाँ पर से माइनस वन और सी का वैल्यू यहाँ पर से माइनस इलेवन है ठीक है अब ये देखो ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक है और उसके बाद फिर क्या होगा आंसर आपको मिलेगा एक प्लस यहाँ एक बार प्लस का साइन लेना एक बार माइनस का साइन लेना उसके बाद आंसर आ जाएगा मैं करके बताऊँ क्या करके बताने का कोई मतलब नहीं बन रहा है लेकिन चलो बता ही देता हूँ कुछ नहीं करना है इसमें ए की बी की वैल्यू जब रखूँगा बी का वैल्यू कितना है माइनस वन है तो वन प्लस माइनस कितना करूँगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना रखूँगा बी स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है वन ही है सी का वैल्यू कितना है माइनस इलेवन है डिवाइडेड बाई में टू इंटू कितना हो जाएगा टू इंटू कितना लिखूँगा वन ही है ठीक है अब इसको सॉल्व करो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस माइनस कितना हो जाएगा वन प्लस माइनस कितना हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ग्यारह चौक चौवालीस मतलब रूट ओवर फोर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाई टू आ रहा है समझ में अब रूट ओवर फोटी फ़ाइव का वैल्यू अगर अब आप, आपको नहीं पता तो उसको मैं बनाना सिखा रहा हूँ अभी ठीक है ना बनाना सिखाऊँगा लेकिन अभी नहीं सिखाता क्योंकि कुछ लोग स्किप कर दिए होंगे ना क्योंकि ये चीज़ सबको पता होना चाहिए जैसे कि अब यहाँ पर से मैं बता देता हूँ ठीक है इसको बना लेना यार आप लोग ठीक है ना इसको आप लोग बना लेना अब यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को और होमवर्क भी दे रहा हूँ और टिप्स भी दे रहा हूँ टिप ये है आप लोगों के लिए कि आपको कम से कम रूट फाइव तक का वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए याद होना चाहिए यानी कि रूट वन तो वन ही होता है ठीक है रूट टू का वैल्यू आपको पता ही होगा वन पॉइंट फोर वन फोर ठीक है रूट थ्री का वैल्यू भी पता ही होगा आई थिंक रूट थ्री का ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा जो आंसर होगा वही आंसर होगा ठीक है इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर होगा दो ठो का आंसर आएगा एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस का साइन लोगे आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से कर लेना कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वही चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ रूट फोर्टी फाइव का वैल्यू कैसे निकालोगे वो मैं समझाने वाला हूँ एकदम आसानी से निकलता है ठीक है रूट थ्री का वैल्यू आपको पता ही होगा वन पॉइंट सेवन थ्री टू रूट फोर का वैल्यू तो बताने की जरूरत नहीं है रूट फाइव का वैल्यू होता है टू पॉइंट टू थ्री एंड रूट सिक्स का वैल्यू अप्रॉक्स टू पॉइंट फाइव होता है ठीक है चाहो तो यहाँ तक आप लोग याद रख सकते हैं रूट टू और रूट थ्री तो याद ही होना चाहिए किसी भी हालत में फ़ाइव और सिक्स को भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है और जिसको नहीं बनता है निकलता कैसे उसको मैं अभी समझाने वाला हूँ ठीक है जैसे कि हम लोग देखते हैं रूट फाइव अभी ये मेरे को पता नहीं है मान लो तो कैसे निकालूंगा मैं देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं अब ऐसा स्क्वायर खोजो ऐसा स्क्वायर खोजो जिसकी वैल्यू पाँच से कम हो जैसे दो का स्क्वायर क्या होगा चार होगा लेकिन तीन का स्क्वायर करूँगा तो नौ हो जाएगा तो मैं तीन नहीं लूँगा मेरे लिए क्या हो गया वो मैक्सिमम स्क्वायर जो कि पाँच से कम हो वो क्या आ गया दो का स्क्वायर आ गया तो मैं इसको दो से ही क्या करूँगा डिवाइड करूँगा तो दो से डिवाइड करूँगा तो कितने बार में जाएगा दो धुनी चार बार में जाएगा एक बच जाएगा ठीक है एक बच जाएगा दो धुनी चार बार में गया अब क्या करूँगा कितने बार में गया दो को मैं डिवाइड किया पाँच से दो बार में गया तो दो को मैं यहाँ पर भी उतार दूंगा लेफ्ट में ठीक है दोनों को जोड़ दूंगा तो चार हो गया ठीक है अब जो रिमाइंडर बचा है वन अब मैं चार को वन से डिवाइड कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता छोटी वैल्यू है तो मैं दशमलव लगा दूंगा ऊपर में तो दशमलव लगाने से यहाँ ज़ीरो आ जाएगा ठीक है अब कर सकता हूँ कितने बार में जाएगा दो बार में जाएगा तो चार दूनी आठ अब क्या हो गया दो बज गया फिर से अब देखो ऊपर में मैं दो से ही क्या किया था मल्टीप्लाई किया था चार इन दो तो आठ आया था तो दो को फिर से यहाँ से उतार दो तो ये कितना हो गया अ अब छः हो गया अब ये कितना हो गया छः हो गया चार दो छ छः अब दो में क्या करूँगा मैं फिर से जीरो लगाऊंगा दशमलव तो पहले से लगा हुआ है तो छः अट्ठारह छः अट्ठारह अब क्या हो गया दो फिर से बच गया अब यहाँ पर कितना उतर जाएगा तीन उतर जाएगा छः तीन कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा जीरो फिर लग जाएगा और उसके बाद फिर नौ दूनी अट्ठारह तो ऐसे आप लोग चलते जाएंगे और इसका आंसर आपको मिलते जाएगा तो मतलब 2.232 ऐसा करके देख रहे हो मैं भी यही लिखा हूँ रूट फाइव का वैल्यू कितना आ गया 2.23 पॉइंट टू थ्री अप्रॉक्स में लिख दिया वैसे ही आप लोग रूट सिक्स को सॉल्व करके देखो रूट सिक्स को सॉल्व करके देखो तो इसके लिए भी आप लोग दो से ही करेंगे क्योंकि दो ही आपका क्या है क्योंकि तीन से करोगे तो क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा नौ छः से बड़ी वैल्यू है तो तीन तो ले नहीं सकते तीन से डिवाइड नहीं करोगे दो से डिवाइड करोगे इसी चीज़ को बस याद रखना है ठीक है ऊपर में मैं बोला था कि बड़ी वैल्यू का कैसे करेंगे जैसे कि ऊपर में फोर्टी फाइव था ठीक है ना ऊपर में क्या था फोर्टी फाइव था तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे ठीक है या फिर आप लोग चलो इसको निकाल के तो देखेंगे ही लेकिन मैं एक टिप और दे देता हूँ जैसे कि ये एक्चुअली में कितना है नौ पंच पैंतालीस पाँच नहीं या पैंतालीस है तो नौ तो जब इसका रूट ऐसे कर दोगे पाँच नहीं या पैंतालीस उसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ ना अरे रूट फोर्टी फाइव को मैं ये लिख सकता हूँ ना तो यहाँ पर से तीन तो बाहर निकल गया ऑलरेडी तो थ्री इंटू रूट फाइव बचा अब रूट फाइव का वैल्यू तो आपको पता ही है टू पॉइंट टू थ्री इसीलिए मैं बोला था कि कम से कम रूट सिक्स का वैल्यू पता होना चाहिए रूट सिक्स तक क्योंकि तोड़ के हम लोग उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं ना इसलिए आया कि नहीं समझ में आ गया कि नहीं अब देखो मेरे को रूट फोर्टी फाइव का वैल्यू एकदम आसानी से पता चल गया यहाँ पर से बस तीन से मल्टीप्लाई कर दो तीन ध्यान नौ तीन दोनी छः और ये कितना हो जाएगा उल्टा कर दिया क्या ठीक ठीक तो किया मतलब इसको मल्टीप्लाई करना आंसर निकाल लेना ठीक है उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा वैल्यू जो कि 45 से कम हो कितना हो जाएगा तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर छः का स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स होता है सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन तो सात से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते इसको छः से कर सकते हैं तो छः छः छत्तीस ठीक है ना कितने बार में गया छः बार में गया छः बार में गया छः छः छत्तीस और उसके बाद फिर कितना बच जाएगा आपका पाँच चार नौ बच जाएगा ना ठीक है पाँच चार नौ बच जाएगा और छः hmm. को यहाँ पर उतार दोगे बारह लिख दोगे दशमलव लगाओगे ये ज़ीरो हो जाएगा और बारह कितने इस बार में जाएगा बारह सत्तर चौरासी बारह अट्ठे छियानवे सात बार में जाएगा सात बार में जाएगा और इसके बाद फिर कितना बच जाएगा अब देखो 6.7 आ गया है वैसे 6.7 ये भी उतना ही आ रहा था ना छः दशमलव छः नौ ठीक है मतलब अप्रॉक्स उतना ही तो आ रहा है ना छः दशमलव छः नौ ठीक है इधर देखो ना राइट में तो अभी सॉल्व किए थे क्या है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई किया छः दशमलव छः नौ मतलब छः दशमलव सात के अप्रॉक्स आ गया कि नहीं और इधर से भी आ गया कि नहीं आंसर आपको समझ में आ गया कि नहीं आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अब देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं अब अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं ना उसमें अभी जो पढ़ने वाले वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन करें एक मिनट रुकना ना चलो एक क्वेश्चन लिखना <coughs> क्वेश्चन लिखना ये दिया है आपको रूट एक सौ छः माइनस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस रूट एटी वन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में इसको आपको बनाना है जल्दी से जल्दी एकदम आसान क्वेश्चन है ये ना इसको बनाने की भी जरूरत नहीं बनती ठीक है ना ये ओरली बन जाता है और ये कितना हो जाएगा नौ का स्क्वायर हो जाएगा इधर राइट से सॉल्व करना चालू करना ठीक है ना आखिरी से तो नौ नहीं है कैसे हो जाएगा नौ पच्चीस में माइनस होगा तो सोलह बच जाएगा सोलह का चार हो जाएगा तो चार प्लस थर्टी टू कितना हो जाएगा छत्तीस छत्तीस का छः हो जाएगा सौ में छः माइनस हुआ दस आंसर आ गया देखो बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी आंसर आ गया आया कि नहीं समझ पे इसको बना के दिखाऊँ क्या चलो एक क्वेश्चन और करो एक क्वेश्चन और करो आप लोग ऐसे ही बनाना ठीक है ना कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिफ्टी फोर माइनस नाइनटीन प्लस थर्टी थ्री एंड प्लस में कितना हो जाएगा रूट नाइन ठीक है इसको बना लो कितना आंसर आया बताओ जल्दी से आंसर आ गया होगा आई थिंक अभी तक आंसर आ गया होगा ये तीन हो गया तीन तीन प्लस छः छत्तीस हो गया छत्तीस का छः बाहर निकला नौ छः पंद्रह पच्चीस पाँच हो गया पाँच माइनस गया उनचास सात आंसर आ गया ठीक है जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार बता देता हूँ एक्चुअली में ये किसका मतलब स्क्वायर रूट है हैं मतलब नाइन का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा थ्री थ्री का स्क्वायर है ना वो तो so थ्री बाहर निकल जाएगा इसके जगह में तो so थ्री को फिर मैं थर्टी थ्री में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा अब थर्टी सिक्स किसका स्क्वायर रूट हो जाता है छः का तो so छः बाहर निकल गया अब उन्नीस में मैं छः जोड़ूंगा पच्चीस हो जाएगा ठीक है ना उन्नीस में छः जोड़ो पच्चीस हो गया अभी पच्चीस किसका स्क्वायर रूट है पाँच का तो so पाँच अब बाहर निकल जाएगा और पाँच किस में माइनस हो जाएगा फिफ्टी फोर में माइनस हो जाएगा तो so कितना बचेगा रूट फोर्टी नाइन आखिरी में बचेगा और ये सात आंसर हो जाएगा इतना आसान क्वेश्चन था तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा कल हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब